सॉरी यार श्रेया, इस हफ्ते भी नहीं आ पाऊंगा। कल एक अर्जेंट मेडिकल कॉन्फ्रेंस आ गई है और उसके बाद बहुत सारा काम है यहाँ पर, तो लगता है कि नेक्स्ट वीकेंड ही आ पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। ओके बाय बाय। क्या कहा तुम्हारे मिस्टर ने? लॉटरी लगी है। इस सैटरडे संडे भी हम साथ रहेंगे क्योंकि द ग्रेट मिस्टर अविनाश को अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। हमें प्यार करने से। इस लड़की ने परेशान करके रखा है मुझे। अब क्या हुआ तुझे? चैन से नहीं रह सकती? दिमाग खराब करके रखा इस लड़की ने मेरा। श्रेया क्या कर रही हो? बच्ची है वो। बच्चों यहाँ देखो, इसे रोते नहीं। मैं गुड गर्ल ना। ये देखो अंकल तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। चॉकलेट। समझ में नहीं आता इस लड़की का क्या करूं। एक तो ये है और दूसरा इसका बाप। इन दोनों ने मेरी जिंदगी हराम करके रखी है। वो इतना टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारी जिंदगी में। शादी की बुनियाद भरोसे की नींव पर टिकी होती है और जब ये भरोसा टूटता है तो रिश्ते बिखरने के साथ साथ जिंदगियां भी बिखरने लगती हैं। श्रेया का पति अविनाश एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और काम के सिलसिले में उसे अक्सर शहर से बाहर रहना पड़ता था, लेकिन अविनाश इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसकी पीठ पीछे श्रेया अक्षत के साथ अपना अफेयर चला रही थी। वो अक्सर अविनाश की गैर मौजूदगी में श्रेया के पास आता था और उनकी इसी नजदीकी का बुरा असर उनकी बेटी रिया पर पड़ रहा था। वो कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात खाई जाती थी कि जब उसके पापा नहीं होते थे तब कोई और उसके घर आता था और उसके पापा की जगह लेता था। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती थी, मजबूर थी। और उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर श्रेया और अक्षत के प्यार का ये सिलसिला चलता रहा। तुम कब आए? जस्ट अभी। अपनी फैमिली को मिस कर रहा था, तो जैसे ही पता चला ट्रिप कैंसिल हो गई, झट से पैकिंग की और फट से आ गया। अच्छी लगी ना सरप्राइज? काश तुम ऐसे सरप्राइज देने ही ना पड़ते। आई मीन तुम्हें यहाँ से कहीं जाना ही ना पड़े। हाँ यार, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा। तुम फ्रेश हो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये आवाज कैसी? श्रेया ये खिड़की खुली क्यों रखी है? बिल्ली उल्ली बुझ जाएगी अंदर। अब तुम भी क्या इस खिड़की के पीछे पड़े हो? इतने दिनों बाद तो आए हो। चलो ना, तुम जल्दी से फ्रेश हो लो, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ पड़े। ओके। अच्छा हुआ सही टाइम पर पता चल गया, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती।
हाँ बेटा, क्या क्या हुआ? क्या 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 देख लिया तुमने? हाँ अच्छा, तुम क्या चाहती हो? पापा नहीं जाए? बेटा पापा को जाना होगा, उन्हें काम है ना, तो जाने दो। अच्छा अच्छा, ओके ओके, पापा अपनी राजकुमारी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही रहूंगा। ये क्या कर रहे हो अविनाश? ये तो बच्ची है, जिद तो करेगी ही ना, काम जरूरी है, तुम्हें जाना होगा। रिया से जरूरी मेरे लिए और कुछ नहीं है, चलो बेटा। हेलो। हेलो, वो गया ना? नहीं गया, इस रिया की बच्ची ने सब बिगाड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस लड़की का क्या करूं। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है कि अविनाश को सब बताना दे। अब तो कुछ करना ही होगा। के फिंगरप्रिंट्स को फोर्सफुली वाइप आउट करने की कोशिश की गई। एक्सीडेंटल केसेस तो हो रहे हैं सावन, लेकिन कोई कार के हैंडल से फिंगरप्रिंट्स को क्यों मिटाएगा? अब अभी ये मर्डर। मर्डर? लेकिन मेरी बेटी का मर्डर कोई क्यों करेगा, किस लिए सर? वही तो पता लगाना है। ये एक सोचा समझा मर्डर। इस बच्चे को पहले बेहोशी की दवा का इंजेक्शन दिया गया ताकि वो निढाल हो जाए और दम घुटते वक्त स्ट्रगल ना कर सके। इस जहर ने उसकी नर्वस सिस्टम को कमजोर कर दिया और बाद में कार में दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। सफोकेशन की वजह से कार में छोटे बच्चों की मृत्यु के बहुत से वाकये सामने आते हैं, पर ज्यादातर ये केसेस एक्सीडेंटल होते हैं जो लापरवाही की वजह से होते हैं। लेकिन रिया के केस में ये सब जानबूझकर किया गया था। एक प्लान्ड मर्डर को एक हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई थी। उसे कार में लाया गया, लॉक किया गया और फिर दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ये समझ गई थी कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है, और क्योंकि मर्डर घर के अंदर हुआ था इसलिए पुलिस ने सबसे पहले अविनाश के घर पे रेगुलरली आने जाने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की। कब से चौकीदारी कर रहे हो? 10 साल हो गए शायद। उस रात ड्यूटी पे थे? जी साहब। कुछ अजीब लगा, कोई आवाज या कोई स्पेशल मोमेंट? मैंने वहाँ कोई आवाज नहीं सुनी। तुम उनके घर आते जाते थे ना? हाँ साहब, श्रेया मैडम कभी कभी मुझे बुलाती थी, कभी कोई सामान लाना होता है, कभी रिया बीबी को घुमाना होता है, क्योंकि रिया बीबी बहुत रोती थी, मैं उसको घुमा के लाता था तो वो चुप हो जाती थी। रोती क्यों साहब? ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसकी वजह से श्रेया मैडम बहुत परेशान रहती थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। अच्छा नमस्ते। नमस्ते साहब। कब से काम कर रही हो? साहब 4 साल से। कभी कोई झगड़ा? नहीं साहब, झगड़ा क्यों होगा भला, साहब टाइम पे पगार दे ही देते थे। कितने बजे आती थी तुम काम के लिए? सुबह शाम 2 टाइम। मेम साहब कभी कभी आने के लिए मना कर देती थी, साहब घर पे नहीं होते थे ना, तो घर पे कोई काम ही नहीं पड़ता था करने के लिए। अच्छा, ये जो इनकी बेटी है रिया, इसके साथ सब ठीक से पेश आते? जी साहब, पर मैम सब बच्चे को कभी कभी डांट देती थी, वो भी क्या करे बिचारी, बच्ची को लेके वो बहुत परेशान थी। भगवान किसी भी बच्चे को ऐसी बीमारी ना दे। सर, अविनाश के घर से फोन आया है, कोई सामान गायब नहीं। तुम जाओ। जी सर।
अक्सर घरेलू नौकर ऐसी वारदात को तब अंजाम देते हैं जब पैसे टाइम पर ना मिलें या चोरी का लालच हो। ये दोनों बातें नहीं हुई। तो टीचर मोहन आ गया? हाँ सर, आया, बाहर बैठे। बुलाओ। सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। बैठो। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है सर। सिर्फ इतना बताओ कि वहाँ क्या पढ़ाने जाते थे, वो तो ठीक से बोल सुन भी नहीं सकती थी। सर एक्चुअली मैं स्पेशल किड्स को ही ट्रेंड करता हूँ, ऐसे बच्चे बोल नहीं पाते तो उन्हें स्पेशल तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। मर्डर का तरीका भी स्पेशल था। वारदात वाले दिन कहाँ था? सर मैं तो 3 दिन से बीमार हूँ, घर पर था। सर मैंने रिया के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया था। तो कत्ल से पहले अलीबाई भी तैयार था, रोज वहाँ जाते थे तुम, तो हादसे से ठीक 3 दिन पहले छुट्टी क्यों ली? सर मैंने तो आपसे कहा मेरी तबीयत खराब थी। सर आप चाहिए मेरे डॉक्टर से पूछ लीजिए, मेरे पड़ोसियों से पूछ लीजिए, मुझे वायरल था सर। सर मैं तो 3 दिन तक घर से बाहर भी नहीं निकला हूँ। सर ये सही कह रहे हैं, मैंने पड़ोसियों से और डॉक्टर से तफ्तीश की है। अक्षत का क्या हुआ? वैसे करते क्या हैं आप? सर मेरा गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अविनाश के घर कितना आना जाना था, रोज या कभी कभी? सर कभी कभी आना जाना होता था, कभी आते जाते बच्ची दिख गई तो झाके उसे चॉकलेट दे दिया करता था। सर वाकई में बहुत प्यारी बच्ची थी वो। हादसे की रात कहाँ थे तुम? सर उस वक्त मैं काम के सिलसिले में मुंबई गया हुआ था। सही कह रहा सर। ठीक है तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। ना मोटिव समझ में आ रहा है, ना किसी पे शक पुख्ता हो रहा है। आखिर क्यों कोई 9 साल की डाउन सिंड्रोम बच्ची को मारने की कोशिश करेगा? डॉक्टर साहब वो कौन सी दवा थी जिसे रिया को दिया गया था? केटामाइन जेड। ये मेडिसिन बहुत रेयर है, आम आदमी की पहुंच में नहीं। लेकिन किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का इस तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। चावल? हाँ सर। सविनाश को पुलिस स्टेशन बुला। ओके सर। सर आप ये आप कहना क्या चाहते हैं सर कि मैंने अपनी बच्ची की जान ली? सर मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? मैं नहीं कह रहा हूँ मिस्टर अविनाश, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत से पहले उसे बेहोशी की दवाई केटामिन जेड इंजेक्ट की गई थी। ये दवा आम आदमी की पहुंच के बाहर है, लेकिन एक एमआर के लिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे सर कि इस दवाई का इस्तेमाल करके मैंने खुद ने अपनी बच्ची की जान ली? हो सकता है, एक 9 साल की बच्ची की जान गई है। जब तक खूनी को सजा नहीं दूंगा ना, चैन से नहीं बैठूंगा मैं सर। और हाँ, अब आपको यह साबित करना है कि आप अपनी बच्ची की जान क्यों नहीं ले सकते। और एक बात और, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। तुम पागल हो क्या? क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें पता है ना कि अविनाश को डर है। ओ तो ऐसे कहो ना कि तुम अपने पति से डर रही हो। मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा
सर, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए। क्या? अभी कुछ दिन पहले अविनाश ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज, बॉन्ड्स और प्रॉपर्टी की वसीयत में अपनी पत्नी को, मतलब श्रेया को नॉमिनेट किया था। गुड, इंटरेस्टिंग। अब कड़ी मिली है। अविनाश हैमर था और श्रेया उसकी पत्नी, मतलब श्रेया उस मेडिसिन तक आसानी से पहुंच सकती। पर सर, इससे क्या साबित होता है? साबित नहीं होता है सावन, सुराग मिलता है। अविनाश की मौत से सिर्फ और सिर्फ श्रेया को फायदा होने वाला था। हो सकता है अपनी बच्ची के मर्डर में भी इसका हाथ हो। याद है मोहन और उस मेड ने क्या कहा था? इस किस्म के बच्चों के माँ बाप अक्सर अपने बच्चों से खींच जाते हैं। एक काम करो, श्रेया पर नजर रखो, वो कहाँ आती जाती है, किससे मिलती है, उसके फोन रिकॉर्ड, सब कुछ। हो सर। मालूम चला कि ज्यादा कहीं आना जाना नहीं था, अक्सर घर पर ही रहती थी बच्ची की वजह से। ये कॉल रिकॉर्ड्स है सर। सही नंबर से श्रेया के फोन पे बार बार कॉल आ रही, पहले भी इसी नंबर से आती थी। श्रेया भी इस नंबर पे कॉल करती थी सर। कमाल की बात ये है कि ये कॉल्स तब आते थे जब अविनाश घर पर नहीं होता था। अविनाश के मर्डर के बाद इस नंबर से दोबारा कॉल नहीं आया। मुझे लग रहा है इस केस को सॉल्व करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पता कि ये नंबर किसका है? वही अक्षत सर, अविनाश के मोहल्ले का लड़का। वॉचमैन को बुलाओ। हाँ साहब, मैंने कई बार देखा है अक्षत साहब शाम को आया करते थे। उस वक्त अविनाश की गाड़ी घर पे होती थी? नहीं साहब, उस वक्त अविनाश की गाड़ी घर पर नहीं होती थी। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर, नमस्ते। मसाज का मौका हमें भी दे दो। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर प्लीज मुझे जाने दो सर, प्लीज सर। शुरू शुरू में सब ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन जब सच बोल पट्टा बोलता है ना, तो जबान से सिर्फ सच ही निकलता है। जादव का बुलाओ। रुक जाइए सर, सब बता दो सर। सर, मेरा और श्रेया का रिलेशनशिप था सर। मैं रिया को चॉकलेट खिलाने के बहाने उसके घर जाया करता था। अविनाश जब भी टूर पे जाते थे, दोनों बाहर मिलते थे सर। क्यों मारा रिया और अविनाश को तूने? बोल। सच कह रहा हूँ सर, मैंने अविनाश को नहीं मारा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं उसको मर्डर करने गया था सर, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा था सर। वो तो पहले से मरा हुआ था। हाँ सर, सर सर, ये सब करने के लिए मुझे कुछ श्रेया ने कहा था सर। आज रात मैं अविनाश को नशे की दवा दे दूंगी और उसके बाद तुम्हें आकर उसका गला काटना है। घर की चाबी घर के बाहर पायदान के नीचे मिलेगी, जैसे कहा जाए वैसे करना और फिर गायब हो जाना। फोन भी मत करना। Yeah!
मतलब तूने और श्रेया ने मिलकर ये सब प्लान किया। सर प्लान किया लेकिन मैंने नहीं मारा, मैंने सच में किसी को नहीं मारा सर। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, जिस चाकू से कत्ल हुआ उस पर श्रेया की उंगलियों के निशान पाए गए हैं और अविनाश के शरीर में वही बेहोशी की दवा है जो रिया के शरीर में थी। अब इस मास्टरमाइंड मिसेस श्रेया शर्मा से मिलते हैं, चलो। ये क्या बकवास है, मैंने अक्षत को कोई एसएमएस नहीं किया। चिल्लाओ मत, मैसेज तुम्हारे फोन से किया गया था, अगर तुमने नहीं किया तो कौन करेगा। देखिए मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैडम हम सबूत के बिना पे बात करते हैं, हवा में नहीं। अब डबल मर्डर केस के लिए अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अविनाश को भी मौत से पहले वही बेहोशी की दवा दी गई थी जो रिया को दी गई थी। पहले अपनी बेटी रिया, बाद में अविनाश, दोनों का मर्डर तुमने किया। ये सब आप क्या कह रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन कीजिए। ये सब कोर्ट में साबित करना, समझा? अरेस्ट कर लो इसे। रिया का नार्को टेस्ट करवाया गया, उस टेस्ट में भी श्रेया ने यही कहा कि उसने खून नहीं किया है, लेकिन उस टेस्ट के रिजल्ट पुलिस को हैरान कर देने वाले थे क्योंकि पुलिस के पास श्रेया के खिलाफ सबूत थे और मोटिव भी साफ था। लेकिन पुलिस अब पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि अगर श्रेया ने ये मर्डर्स नहीं किए हैं तो फिर किसने किए। सर ये फाइल देखिए। ये चाकू लो, इस डमी का गला रेत दो। सावंत खूनी कोई और ही, गले पे जो स्लैश का मार्क है उसकी मूवमेंट के हिसाब से जिसने भी ये मर्डर किया है वो लेफ्ट हैंडेड, और श्रेया और अक्षत दोनों राइट हैंडेड। एक काम करो, मोहन वॉचमैन और मेड सबको बुलाओ अभी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं अपने घर पर बीमार पड़ा हुआ था, मैं अविनाश जी के घर तक गया ही नहीं। सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया। सर ये सही कह रहा है, बीमार था ये, पड़ोसी लोग पहले भी कह रहे थे और अभी भी यही कह रहे हैं कि कई दिनों से बाहर नहीं गया। फिर श्रेया के मोबाइल से एसएमएस कैसे कर सकता है। सावन, अगर कातिल इनमें से कोई नहीं है तो फिर कौन हो सकता है, अब कोई नहीं बचा है, कहीं ये मामला यहीं ना अटक जाए। एक काम करते हैं, अविनाश के ऑफिस से पिछले 20 दिन का पूरा रिकॉर्ड निकलवाते हैं, उसके लैपटॉप, ईमेल, सब कुछ, उसकी बेटी के मौत के 7 दिन पहले से लेके अब तक का। चलो। सर अविनाश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, एकदम सीधा साधा आदमी था वो। अच्छा ये अविनाश आखिरी बार ऑफिस कब आया?
सर जिस दिन उसकी लड़की की डेथ हुई थी शायद उसके 2-3 दिन पहले, उसके बाद नहीं आया। ये सीसीटीवी कैमरास वर्किंग है? जी सर। मुझे सब की फुटेज देखनी है। देख सर। और आगे। ठीक है, ये दोनों हाथों से? सर यही तो खूबी थी उसकी, वो दोनों हाथों से लिख सकता था। इनफैक्ट सर वो अपने सारे काम दोनों हाथों से कर सकता था। अच्छा, ये उस दिन उसने यहाँ से कोई सामान लिया था? आई मीन कोई स्पेशल मेडिसिन या कुछ और? हाँ सर, एक दवा के कुछ पैकेट लिए थे जो उसे कोई मेडिकल स्टोर में डिलीवर करने थे। क्या बता सकते हैं वो दवा कौन सी थी? केटामाइन से? ये तो वो दवा है जो रिया की बॉडी में मिली थी और अविनाश की बॉडी में भी। अब पता ये करना है कि उस मेडिकल स्टोर तक ये दवा पहुंची या नहीं। सर ये केमिस्ट भी यही कह रहा है ये दवाई इन तक नहीं पहुंची, इसका मतलब? इसका मतलब है सावन कि हम आज तक के सबसे अनोखे केस को हैंडल कर रहे हैं। हाँ सर, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। एक दिन रिया भी दूसरे बच्चों की तरह खेलेगी, कूदेगी, दौड़ेगी, लेकिन मेरे सिवा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसकी अपनी माँ उससे खींची खींची रहती है, सिर्फ अपनी एक जिम्मेदारी समझती है। यार कल अगर मुझे कुछ हो गया ना तो रिया का क्या होगा? अरे पागल, तुझे कुछ क्यों होगा? होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है यार। Quite possible. Actually, जब कोई दूसरा इंसान किसी का गला रेतता है तो घाव थोड़ा दूसरा होता है, मगर इस केस में घाव उतना गहरा नहीं है, फोर्स कम है। ये एंगल हमसे मिस है। पॉसिबल है ये घाव उसने खुद लगाया। ये एक सोचा समझा मर्डर है। इस बच्चे को पहले बेहोशी की दवा का इंजेक्शन दिया गया। ठीक है, ये दोनों हाथों से? सर यही तो खूबी थी इसकी। एक्चुअली जब कोई दूसरा इंसान किसी का गला रेतता है तो घाव थोड़ा दूसरा होता है, मगर इस केस में घाव उतना गहरा नहीं है। ये एंगल हमसे मिस है। पॉसिबल है ये घाव खुद ने लगाया। इसका मतलब अविनाश ने? जी हाँ, अविनाश ने। जरा सोचिए वो कौन था जिसकी पहुंच दवा तक थी? वो कौन था जो आपके मोबाइल से आसानी से मैसेज कर सकता था? वो कौन था जिसे आपके और अक्षत के बारे में पता हो सकता था? वो कौन था जिसकी पहुंच कार तक थी और रिया के बेडरूम तक थी? सिर्फ अविनाश। अविनाश आपसे इस बेवफाई का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि उसके बाद रिया का क्या होगा, इसलिए उसने रिया का मर्डर कर दिया और खुद की जान ले ली। मैं बताता हूँ क्यों हुआ था। क्योंकि उसने आपको आपके बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया था, उसे आप पर शक हो गया, फिर उसने आप पे नजर रखना शुरू कर दिया और उसका शक यकीन में बदल गया। उसके मन में बदला लेने की भावना आई, उसने प्लानिंग शुरू कर दी, इंटरनेट पे मर्डर करने के तरीके ढूंढने लगा और वो तरीका चुना जो उसकी पहुंच में था। इसलिए उसने सबसे पहले अपनी बेटी की जान ली। बेटा इससे ना तुम एकदम अच्छी हो जाओगी। वो तुम्हारे भरोसे रिया को नहीं छोड़ना चाहता था। वो जानता था कि तुम्हारे साथ उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने रिया को बेहोशी की दवा दी ताकि दम घुटने पर वो स्ट्रगल ना कर सके।
फिर उसने आपके मोबाइल से अक्षत को मैसेज किया, जिसमें अक्षत आसानी से फंस गया, क्योंकि उसमें साफ हिदायत थी कि अक्षत कॉल बैक नहीं करेगा। उसके बाद अविनाश ने सेंट आइटम डिलीट कर दिया होगा ताकि आपको पता न चल सके। उसके बाद अविनाश ने वो जहर लिया जो उसने अपनी बेटी को दिया था, और चाकू लिया आपके किचन से जिस पर आपके हाथों के निशान थे। चाकू के मुंह पर कपड़ा रखकर अपना गला स्लैश कर लिया, और फिर जब अक्षत आया उससे पहले ही अविनाश मर चुका था। एक्सीलेंट प्लानिंग। और जानते हैं ये सब कुछ हुआ आपके धोखे की वजह से, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से। एक पति ने आपको इतना प्यार दिया और आपने उसे बदले में दिया धोखा, और इसकी सजा भुगती आपकी मासूम बेटी ने, और शायद वो चाहता भी नहीं था कि उसकी बेटी की परवरिश आप जैसी औरत करे। लेकिन अब तो आपको पता चल चुका है ना कि मैंने मर्डर नहीं किया है, तो अब तो मुझे यहां से जाने दीजिए। नहीं, अभी आप आजाद नहीं हैं, क्योंकि ये साबित हो जाएगा कि अविनाश ने आत्महत्या की है। लेकिन एसएमएस, चाकू पर आपके हाथों के निशान और अक्षत के कन्फेशन के बाद मैं ये साबित नहीं कर पाऊंगा कि आप लोगों ने अविनाश की हत्या की साजिश नहीं की। अब बाकी की जिंदगी ये साबित करने में लगाना होगा कि आप लोग बेकसूर हैं। चलो ये मुकदमा अब भी कोर्ट में चल रहा है और श्रेया और अक्षत जुडिशियल कस्टडी में। अविनाश ने जो किया वो निश्चित रूप से गलत था। यदि जीवन साथी दगा कर रहा है तो उसे छोड़ देना, उससे दूर चले जाना एक कानूनन रास्ता है जो सही भी है, लेकिन इस तरह से एक बदले के लिए कानून के खिलाफ जाकर अपराध करना किसी भी लिहाज से सही नहीं। काश के श्रेया ने अक्षत के साथ अपने रिश्ते के बारे में अविनाश को बता दिया हो। काश के अविनाश श्रेया और अक्षत का सच जानने के बाद श्रेया से बात करता तो ये कहानी शायद कुछ और ही होती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।